अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद एक घंटी बनी हुई आएगी उस पर टच कर दीजिए ताकि आप हमारी और वीडियो देख सकें। आओ सीखे आज के चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की वीडियो में हम कुछ नया सीखने वाले हैं। माना कि मैंने ऐसी काफ़ी वीडियो और भी डाली है बट इसमें मैंने पूरा नहीं सिखाया, पर इस वीडियो में मैं आपको ए से जेड तक पूरी जानकारी दूंगी। जी हाँ, और पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं कुछ रूल्स भी सिखाऊंगी जो आपको नहीं पता है, तो वीडियो पूरी देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो जैसे कि आप देख रहे हैं ए को आ भी पढ़ा जाता है और ए भी पढ़ा जाता है। यहाँ पर दोनों का एग्जाम्पल भी दे रखा है। ए से देखिए कार, और इसी तरीके से ए को यानी कि वे, ए वाई को ए पढ़ रहे हैं यहाँ पर। वी को वा पढ़ा जाता है जैसे कि बुक देख रहे हैं आप, और सी को का भी पढ़ा जाता है और शा भी पढ़ा जाता है। तो दोनों तरीके से हम पढ़ते हैं और इसके रूल्स मैं लास्ट में बताऊंगी वीडियो के ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। आप देखिए डी को डा पढ़ते हैं जैसे कि डिड, और ई को ई भी पढ़ते हैं और ए भी पढ़ते हैं। जैसे ई से आप देख रहे हैं एस एच के बाद ई है तो सी पढ़ा जा रहा है क्योंकि एस एच को सा पढ़ते हैं और ई को ई की माता। और मैन में आप देख रहे हैं दो वर्डों के बीच में ई है तो यहाँ पर ए की मात्रा पढ़ा जा रहा है। ठीक है, आप देखिए एफ को फा पढ़ा जाता है, उसके सिवा कुछ और नहीं पढ़ते हैं। तो जैसे कि फुट आप देख रहे हैं एग्जांपल, जी को गा भी पढ़ते हैं और जा भी पढ़ते हैं, और इसका क्या रूल्स है वो मैं लास्ट में बता दूंगी। ठीक है, जैसे कि गुड में आप देख रहे हैं गा पढ़ा जा रहा है और जॉर्ज में जा पढ़ा जा रहा है। तो इसी तरीके से आप देख रहे हैं और पूरा जेड तक मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आप देखिए एच को हा पढ़ा जाता है जैसे कि हैन, एच का हा पढ़ें और ई का ए की माता एन का ना, हैन। आई का ई पढ़ा जाता है और आई भी पढ़ा जाता है, तो याद रखिएगा कि आई को ई और आई दोनों पढ़ते हैं जैसे कि इंडिया और काइंड। जे को जा पढ़ते हैं जैसे कि जॉक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरी तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ, तो अगर आपको कुछ भी इसमें से याद नहीं है तो आप याद कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल है। हाँ, बारह खड़ी में ये सब सिखाया जाता है बट ये नहीं सिखाया जाता कि सी को का भी पढ़ा जाता है और शा भी पढ़ा जाता है। तो ये सब आपको पूरा मैं डिटेल में बताने वाली हूँ, इसके रूल्स भी मैं लास्ट में समझाने वाली हूँ, तो काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली है। आप देखिए यहाँ पर, आप देखिए के को का पढ़ा जाता है जैसे कि किक। यहाँ पर आप देख रहे हैं सी के को भी का पढ़ते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो अगर सी के साथ में होगा तो भी का पढ़ा जाएगा, और खाली के साथ में होगा तो भी का पढ़ा जाएगा, किक। यहाँ पर आपने देखा, और आई को ई की माता पढ़े, एल को ला पढ़ते हैं जैसे कि लेटर। यहाँ पर आप देख रहे हैं उसके सिवा एल को कुछ नहीं पढ़ते, तो ये भी आपको पता चल गया। एम को माँ पढ़ते हैं जैसे कि मैन, और ई दो वर्डों के बीच में है तो इसलिए इसे ए की माता पढ़ रहे हैं। ठीक है, एन को ना ही ना पढ़ा जाता है जैसे कि नोज, और इन्हें और कुछ नहीं पढ़ा जाता। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे रूल्स होते हैं जो हमें नहीं पता होते, तो इसलिए मैं आपको जेड तक समझा रही हूँ। ओ को ओ पढ़ा जाता है और आ भी पढ़ा जाता है, जैसे कि आवर आप देख रहे हैं, और कब पढ़ा जाता है ये भी मैं आपको समझा दूँगी। अगर कुछ चीज़ छूट भी जाएगी तो वो आप मेरी और वीडियो में देख कर समझ सकते हैं। पी को पा पढ़ते हैं, क्यू को का पढ़ा जाता है, पर क्यू कभी भी अकेला नहीं आएगा, अगर कहीं भी आएगा उसके साथ यू ज़रूर आएगा, तो क्यू को का पढ़ेंगे। आर को रा पढ़ते हैं जैसे कि रिमाइंड, यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये रूल्स के साथ साथ मैं आपको जो समझा रही हूँ उसको भी समझिएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हर चीज़ को समझिए और जो मैंने यहाँ पर दे रखे हैं इन्हें भी पढ़िए ताकि आपको समझ में आ सके। जैसे कि ओ का आवर देख रहे हैं आप, यहाँ पर ओ को आ पढ़ा जा रहा है और ओपन भी पढ़ा जा रहा है, तो साथ में ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा तभी आपको समझ में आएगी। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए एस को सा पढ़ा जाता है जैसे कि सैंड, टी को टा पढ़ते हैं जैसे कि टीचर में आप देख रहे हैं। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैम स्पेलिंग मिस्टेक का, तो वो भी वीडियो मैं जल्द ही करूँगी। अब नहीं कर पाई हूँ अभी तो, पर कोशिश करूँगी जल्द से जल्द कर सकूँ। यू को ओ भी पढ़ते हैं और आ भी पढ़ते हैं, और वी को वा पढ़ते हैं, डब्लू को वा पढ़ते हैं, डब्लू को भी वा पढ़ते हैं और वी को भी वा पढ़ते हैं। अब देखिए यू को ऊ कब पढ़ते हैं ये भी मैं आपको समझा दूंगी, और जैसे कि ऊ भी पढ़ते हैं आ भी पढ़ते हैं,
तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं, और अगर कुछ चीज़ छूट भी जाएगी तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी, नहीं तो आप मेरी और वीडियो देख सकते हैं कि यू को क्या क्या पढ़ते हैं और उसके क्या रूल्स हैं। अच्छे से समझने के लिए आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियो मैंने डाल रखी है रूल्स पे, तो वहाँ पर आपको हर तरीके की मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप अच्छे से समझ लीजिए। अब देखिए एक्स, एक्स को ए पढ़ा जाता है, एक्स ही पढ़ा जाएगा। अगर आप ज़्यादातर वर्डों में देखेंगे तो एक्स ही पढ़ेंगे इसे, तो याद रखिएगा। वाई को या भी पढ़ते हैं और आई भी पढ़ते हैं और ई भी पढ़ते हैं, तो याद रखिएगा कि वाई को कब या पढ़ते हैं ये मैं आपको बता दूंगी लास्ट में, ठीक है। जेड को जा पढ़ा जाता है। तो यहाँ तक आपने जेड तक सीख लिया है जी, किसको किस तरीके से पढ़ना है। उम्मीद करती हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, अगर हुई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वैसे मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। और अब आई बात कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए सी को का पढ़ते हैं और के को भी का पढ़ते हैं और क्यू को भी का पढ़ते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा कि का किस किस को पढ़ते हैं, सी को का पढ़ते हैं, के को का पढ़ते हैं, क्यू को का पढ़ते हैं, इन तीनों को का ही पढ़ा जाएगा, और सी के अगर साथ में होगा तो भी का पढ़ा जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं प्लॉक यहाँ पर सी के साथ में, जैसे कि मैंने आपको बताया था सी को सा भी पढ़ते हैं, ये तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया। अब देखिए वा, वा वर्षा यानी वी और डब्ल्यू को दोनों को पढ़ा, जैसे कि मैंने बोला था कि लास्ट में आपको कुछ रूल्स सिखाए जाएंगे, तो चलिए उसको सीख लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने बताया था कि सी को सा भी पढ़ते हैं और का भी पढ़ते हैं, तो काफ़ी सारे लोगों को शायद पता होगा जो मेरी वीडियो देखते होंगे ये सारे रूल्स, पर जिन्हें नहीं बताया वो ध्यान से देखिएगा। देखिए सी के बाद अगर ई आई वाई आएगा तो सी को सा पढ़ेंगे, और सी के बाद अगर ए ओ यू आएगा तो सी को का पढ़ेंगे। याद रखिएगा कि अगर सी के बाद ए आ रहा है तो का पढ़ेंगे, और सी के बाद अगर ई आ रहा है तो सा पढ़ेंगे। सी के बाद अगर आई आ रहा है तो सा पढ़ेंगे, और सी के बाद अगर ओ आ रहा है तो का पढ़ेंगे। सी के बाद अगर वाई आ रहा है तो सा पढ़ेंगे, और अगर सी के बाद यू आ रहा है तो का पढ़ेंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं कि सी को क्या क्या पढ़ते हैं, ये वीडियो मैंने डाल रखी है, अपलोड कर रखी है, तो आप उसमें से भी देख सकते हैं। हाँ, तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और बताइए कि कौन कौन जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चल सके कि आप में से कौन है जो इसे अच्छे से समझ रहे हैं और क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि जी को जा और गा कब पढ़ते हैं। ये रूल्स मैं इसलिए साथ के साथ बता रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए जी के बाद अगर ई आई वाई आएगा तो जा पढ़ेंगे, और अगर जी के बाद ए ओ यू आएगा तो गा पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा कि अगर इनमें से तीनों में से कुछ पहले वाले में कुछ भी आ रहा है तो जा पढ़ना है। जैसे कि मैंने बताया अगर जी के बाद ई आ रहा है तो भी आपको जा पढ़ना है, जी के बाद आई आ रहा है तो भी जा पढ़ना है, वाई आ रहा है तो भी जा पढ़ना है, और अगर जी के बाद ए आता है तो आपको गा पढ़ना है, और जी के बाद अगर ओ आ रहा है तो भी आपको गा पढ़ना है, और अगर यू आ रहा है तो भी गा पढ़ना है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे सीख लेते हैं। देखिए यहाँ पर वाई को ई और आई दोनों पढ़ा जाता है और या भी पढ़ा जाता है, ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि अगर वाई स्टार्ट में होगा यानी शुरू में होगा स्टार्टिंग में तो वहाँ पर आपको या पढ़ना है, और अगर वाई लास्ट में होगा तो या तो आपको आई पढ़ना है या फिर आपको आई पढ़ना है, दोनों में से कुछ भी पढ़ सकते हैं। वैसे इसका भी रूल्स होता है बट मैं अभी आपको सिर्फ इतना ही समझा रही हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो अगर शुरू में है तो या, और लास्ट में है तो वहाँ पर आपको आई या ई पढ़ना है, और बीच में है वहाँ भी आपको आई या ई पढ़ना है, बस शुरू वाला वर्ड को आपको या पढ़ना है, जैसे कि बेबी हो गया, सिटी हो गया, यहाँ पर आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सारे रूल्स समझाने थे इस वीडियो के हिसाब से मुझे, पर मैंने नहीं सिखाए हैं क्योंकि मैंने सब चीज़ के सारे रूल्स पे वीडियो मैंने पहले से अपलोड कर रखी है, आप लोग देख सकते हैं, और अगर आपको नहीं मिलते हैं तो मुझे बताइए, मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी लोग मुझसे बोलते हैं कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा उनको वीडियो सेंड करूँ, और करती भी हूँ, अगर रह जाते हैं तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। अब देखिए ए को आ भी पढ़ते हैं और ए भी पढ़ते हैं, यहाँ पर अगर आपको दिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ए के बाद अगर एन आता है तो आपको आ पढ़ना है, और अगर ए के बाद एल आता है तो भी आपको आ पढ़ना है, ए के बाद अगर आर आएगा तो भी आपको आ पढ़ना है,
ए के बाद एन और टी आएगा तो भी वहाँ पर आपको आ पढ़ना है, और ए के बाद अगर एन सी ई आएगा तो भी आ पढ़ना है। अगर आपको समझ भी नहीं आया तो देखिए, अगर ए के बाद यानी कितना भी बड़ा वर्ड हो, आपको देखना है कि ए के बाद क्या आ रहा है। अगर ए के बाद किसी भी कोई भी मान लो कोई भी वर्ड है उसमें आप देखिए, ए के बाद अगर एन आ रहा है तो यहाँ पर हमें ए को आ ही पढ़ना है, एल आ रहा है तो भी हमें आ पढ़ना है, ए नहीं पढ़ना है, ये याद रखिएगा। आर आ रहा है तो भी आपको यही पढ़ना है, तो याद रखिएगा किस तरीके से पढ़ना है। अब देखिए, ए को ए कब पढ़ते हैं, देखिए ए के बाद एक शब्द छोड़ के अगर ई आता है, यानी कि ए के बाद कोई और वर्ड आएगा, जैसे कि कुछ भी आ सकता है, ये लगा लीजिए टी हो गया, वी हो गया, कुछ भी, और उसके बाद अगर ई आता है तो वहाँ पर आपको ए को ए पढ़ना है। जैसे कि केयर में आप देख रहे हैं, पहले सी है उसके बाद ए है, यानी कि ए के बाद क्या आ रहा है, आर आ रहा है, और आर के बाद क्या है, ई। आपको ये ध्यान रखना है कि ए के बाद बीच में कोई भी वर्ड हो और उसके बाद अगर ई हो तो वहाँ पर आपको ए को ए पढ़ना है, ठीक है। नहीं तो आप सोचेंगे कि भाई यहाँ पर ए के बाद तो आर आ रहा है तो हमें आ पढ़ना है, नहीं, क्योंकि इसके आर के बाद ई आ रहा है तो हमें यहाँ पर ए पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। डेयर में भी देखिए, ए के बाद आर बीच में है और उसके बाद ई है, तो समझ गए होंगे आप लोग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद एक घंटी बनी हुई आएगी उस पर टच कर दीजिए ताकि आप हमारी और वीडियो देख सकें।